बॉलीवुड के कई स्टार और सुपरस्टार बायोपिक फिल्में बनाने के लिए आगे बढ़ते नजर आ रहे हैं। इसी ट्रेन को आगे बरकरार रखते हुए फिल्म प्रोड्यूसर सिद्धार्थ रॉय कपूर बहुत जल्द एक फेमस व्यक्ति पर फिल्म बनाने जा रहे हैं। यह पॉपुलर व्यक्ति और कोई नहीं बल्कि भारत के पहले एस्ट्रोनॉट राकेश शर्मा हैं। सिद्धार्थ रॉय कपूर बहुत जल्द राकेश शर्मा के जीवनी पर फिल्म बनाने वाले हैं। इस फिल्म का नाम उन्होंने सारे जहां से अच्छा रखा है। पहले इस फिल्म को लेकर आमिर खान से बातचीत चल रही थी, आमिर के साथ बात नहीं बनी है, जिसके बाद अब खबर आई है कि इस फिल्म में राकेश शर्मा के किरदार में संजय दत्त देखेंगे। इस खबर के साथ यह बात साफ हो गई है कि संजय दत्त ने आमिर को रिप्लेस कर दिया है। वैसे खबर तो यह भी है कि आमिर खुद यह फिल्म नहीं करना चाहते थे, इसलिए उन्होंने फिल्म को अलविदा कह दिया है। इन दिनों आमिर खान पीरियड ड्रामा फिल्म ठग्स ऑफ हिंदुस्तान की शूटिंग में काफी बिजी हैं। इस फिल्म में आमिर के अलावा अमिताभ बच्चन, कैटरीना कैफ और फातिमा सना शेख भी अहम रोल में देखेंगे। इसके अलावा संजय दत्त की लाइफ पर भी एक बायोपिक बन रही है। इस फिल्म में उनके किरदार में रणबीर कपूर दिखने वाले हैं। संजय की तरह दिखने के लिए रणबीर ने अपने बाल और वजन भी बढ़ा लिया है। इन दिनों रणबीर संजय के लुक में ही हर जगह नजर आ रहे हैं। पिछले दिनों संजय अपने परिवार के साथ विदेश में छुट्टियां मानते हुए नजर आए थे। परिवार के साथ उनकी छुट्टियां मानते हुए तस्वीरें सोशल मीडिया पर खूब वायरल हुई थी। और तो और इन तस्वीरों में संजय की पत्नी मान्यता की बिकनी फोटो भी सबके सामने आई थी।